हेलो एंड नमस्ते फ्रॉम कोवेंट्री। मैं हूँ नेहा और दिवाली आने वाली है। हाँ जी, दिवाली आने वाली है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज हम जा रहे हैं दिवाली की शॉपिंग करने कुछ इंडियन शॉप्स पे। थोड़ा बहुत मुझे ये दिवाली से रिलेटेड सामान लाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ले चलूँ और दिखाऊँ कि यहाँ पर दिवाली पे क्या क्या मिल रहा है। मौसम देख रहे हो आप, 12 डिग्री है यहाँ पर और थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है, तो इसीलिए पूरी तैयारी के साथ ठंड और बारिश से बचने के लिए सब सामान मैंने ले लिया है और हम लोग जा रहे हैं। सामान ज़्यादा रहेगा कम रहेगा आई डोंट नो, इसके लिए इस तरह की ट्रॉली इधर मिलती है तो वो हम लोगों ने ले रखी है। जब भी शॉपिंग करने जाते हैं या ज़्यादा सामान रहता है या किराने का जो भी सामान लेने जाते हैं तो ये ट्रॉली लेके जाते हैं। बढ़िया रहता है, जस्ट आपको चलाना पड़ता है, पीठ पे नहीं उठाना पड़ता है तो इजी हो जाता है। तो जिनके पास कार नहीं है और पैदल ही जाते आते हैं लोग, उनके लिए बहुत अच्छा है सामान लाने के लिए। ठीक है, इसका हो गया, अब चलते हैं हम लोग। तो चलिए, बस बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है यार, यहाँ पे यही है। एक्चुअली क्या होता है ना, अभी 1:30 बज रही, जैसे कि तो स्कूल छूटते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं ना उस बस में, तो वो रोकते ही नहीं है। 2-3 बस निकल जाती है, उसके बाद जब भीड़ कम होती है तो चढ़ाते हैं। अभी मैं हूँ द क्वाड्रेंट स्टॉप पे, अभी मैं लूँगी बस नंबर 21 और हम लोग उतरेंगे गैलीज रोड पर। उसके बाद वहीं से पास में सारास करके एक इंडियन शॉप है और सामने एसडा है। मैं सोच रही हूँ दोनों तरफ जाऊँ, चीज़ें देखूँ। अभी वेट कर रही हूँ, यहाँ पर भी बता रहा है 9 मिनट में बता। तो मेरी जो बस है वो बस नंबर 21 है, मैं BY1 स्टॉप पे खड़ी हुई हूँ। अभी ये वाली जो है 8 मिनट्स में बता रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, बस गूगल मैप्स में सोर्स और डेस्टिनेशन डालना है, वो आपको बसेस के ऑप्शन बता देगा कि डायरेक्ट बस है या चेंज करके जाना है। तो मुझे यहाँ पे चेंज करना था द क्वाड्रेंट पे, तो उसने ये भी बता दिया कि आप कौन से स्टॉप पे खड़े होना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हैं। लाइक एक ये है, एक ये आगे है, सामने की तरफ भी 3 है, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो सारी चीज़ें लिखी हुई रहती हैं यहाँ पे, आपको देखना रहता है। मैं उतर गई हूँ अभी, अजीब सी ठंड है यार, मतलब सर दुखने लगा इस ठंड में। आई डोंट नो, मैं कुछ दिनों बाद बाहर निकली हूँ, पता नहीं क्या। सो मेरा बस स्टॉप पीछे था, पीछे मैं उतरी। इधर पीछे है एसडा और इस तरफ बता रहा है सारा स्कूल, जो कि इंडियन शॉप है। सोच रही हूँ पहले उधर जाती हूँ फिर इधर। तो ये बाहर से है शॉप सारास फूड एशियन ग्रॉसर एंड फ्रूटर, चलते हैं इसके अंदर। इधर से स्टार्ट करते हैं, दिए हैं इधर मस्त मस्त। तो ये जो दिया है ये बता रहे हैं 3.49 pounds। वैसे तो मैं दिए लाई हूँ, देखो आप 14 डिब्बियाँ हैं 50-50 ग्राम की, 7.99। नान है 1.25 pounds। वो धनिए की गट्टी है 1.8 में, एक लोगे तो 1 pounds। भाई साहब ग्वारफली 6.99। नारियल तो मुझे लेना है, क्या करूँ, दो ले लूँ 1.5 pounds में ना। चाय पत्ती हर तरह की आपको मिल जाएगी, रेड लेबल का 450 ग्राम का पैकेट है 5.99 में। बाकी बहुत सारी ब्रांड्स हैं यहाँ पर, कि देखो यहाँ पे ये क्रश्ड चिली है, क्रश्ड चिली, क्रश्ड जिंजर, डाइस्ड जिंजर 1.99 1.99, इस तरीके से मिल रहा है आपको। मतलब ये भी आपको फ्रोज़न करके दिया हुआ है। कटहल है 3.29 pounds। करेला हो गया, जामुन हो गया, ड्रमस्टिक्स, एवरीथिंग, हर तरह के अचार हैं। कोई
चिली पिकल पसंद आया था, मैं ले लेती हूँ। इसका रेट नहीं लिखा हुआ है, मैंगो का है 2.49 और गार्लिक का 2.75। देखते हैं, देख सकते हो आप, नाइस टाइम ब्रिटानिया 65 पेंस में, अपना बर्बन है 75 पेंस में, पार्ले जी है 2.49 बड़ा वाला पैकेट 2.49 पाउंड्स में। बाकी आपको डार्क फैंटेसी वगैरह भी इधर मिल जाएगा 69 पेंस 75 ग्राम्स। गिट्स के सारी वैरायटी आपको मिलेगी, खमन ढोकला, उत्तपम, उपमा, राइस इडली, रवा इडली, मेदू वड़ा, मूंग दाल वड़ा, रवा डोसा, डोसा पकोड़ा, सब कुछ। और ये 2.75 2.99 इस तरीके से है। MDH के मसालों की ये सारी वैरायटी, MDH नहीं और भी ब्रांड्स हैं, बट आपने जो इंडिया में नहीं देखा होगा वो इधर है। कि शाही पनीर मसाला है 1.99 पाउंड्स, करी पाउडर 1.49, पाव भाजी मसाला 1.75 पाउंड्स, 5 पाउंड्स में है उपमा रवा जो मैं ले रही हूँ, 10 रुपये लिखा हुआ है इस पर, और यहाँ पर ये 1.25 पाउंड्स में। पनीर ले लेते हैं भाई, 200 ग्राम है 1.99। सारा से थोड़ा वो जो मुझे ग्रॉसरी लेना था वो मैंने ले लिया, और अब मैं जा रही हूँ एजडा, सामने है, घर पे बनाने का सामान लिया है तो ज़्यादा कुछ रेडीमेड मैंने लिया नहीं, कंटेनर सोच रही हूँ उसको रखने के लिए, तो देखती हूँ एजडा में अगर अच्छे मिलते हैं तो। सबसे शॉकिंग वाली बात, ये जो झाड़ू है ये मुझे मिली है 3.99 पाउंड्स, मतलब 400 रुपए की झाड़ू है भाई साहब। यूके आना इज नॉट इजी, और रहना आपको बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लाइक मैं थोड़े दिए तो लाई हूँ, दिए थे बहुत फैंसी दिए थे, बट उनका प्राइस भी उतना ही फैंसी था तो मैंने नहीं लिया। देखती हूँ मेरे पास कुछ वाटर कलर है, अगर मैं घर पे ही थोड़े दियों को डेकोरेट कर सकूँ, अदरवाइज इट्स ओके, मुझे अर्दन कलर ज़्यादा अच्छा लगता है उनका, जैसे है वो वैसे ही, सो आई यूज एज इट इज़। तो अभी आ गई हूँ मैं घर, और सारास में जनरली दिए थे, डेकोरेशन का तोरण वगैरह था, और मैंने सिर्फ ग्रॉसरी का सामान लिया है, मैंने सिर्फ नमकीन या जो भी मुझे स्नैक्स बनाने हैं दिवाली पे वो सामान लिया है, और पूजा पाठ का सारा सामान मेरे पास है। दिए भी मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे पास वो मिट्टी वाले दिए हैं जो मैं इंडिया से ऑलरेडी लाई थी, तो आई थिंक वो सफिशियंट है सारी चीज़ें, तो मैंने कुछ और नहीं लिया एक्स्ट्रा। इतना ज़्यादा कुछ नहीं था जितना इंडिया में रहता है कि रंगोली और स्टिकर वाली रंगोली, वो सब कुछ नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो 14 जो डब्बे थे 50-50 ग्राम के, वो कितने ज़्यादा महंगे थे, 7.99 पाउंड्स, तो मुझे वर्थ नहीं लगा वो लेना, मैं रंगोली किसी और चीज़ से बनाने की ट्राई करूँगी। और एजडा में मुझे कंटेनर्स लेने थे पर वो भी मुझे नहीं मिले, तो मैं कुछ दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। और ये था इंडियन ग्रॉसरी, किस तरीके से इंडियन चीज़ें यहाँ पर है, कितनी महंगी है, कितनी कितने प्राइस में है, तो आपने देखा। और दिवाली भी अच्छे से मनाएंगे हम लोग, इसमें एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि किस तरीके से इंडियन सामान मिलता है और कितना महंगा रहता है, तो आपको लगता है कि जो जो नीड है वो ही लाओ, ऑलमोस्ट सब चीज़ें मिल जाती है, हालांकि प्राइस का डिफरेंस आता है, बट क्या कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको मुझे बताइएगा, आपको मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।